सो गाइस चेक नंबर फर्स्ट के लिए आपको पीक के पीछे की साइड जो ये रोड है यहाँ पे आपको इस बैनर के पास आ जाना है। और यार आपको 3 ग्लूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपको यार ग्लूल को कुछ इस तरीके से लगाना है जैसा कि मैं लगा रहा हूँ, एक के ऊपर एक भाई लगा देना कुछ इस तरीके से। और यार उसके बाद आपको ग्लूल के ऊपर चढ़ जाना है। आप स्कोपिंग करके चलना, आप आराम से चढ़ जाओगे। सो मैं यहाँ पे ग्लूल पे चढ़ चुका हूँ। और यार यहाँ से आपको इस बैनर के ऊपर चले जाना है, आप बहुत ही आराम से आ जाओगे। और यार उसके बाद भाई आप जॉयस्टिक को थोड़ा थोड़ा मूव करके बहुत ही इजीली यहाँ पे आ सकते हो। और यहाँ पे आने के बाद आपको यार ग्लूल तोड़ देना अगर आपके पास एमो एक्स्ट्रा तो, या फिर अपने तोड़ जाएगा भाई ग्लूल। और यार यहाँ पे आपको प्रोन कर लेना और भाई जॉयस्टिक को मूव करते हुए थोड़ा आगे जाना है, इस बोर्ड के पास आ जाना है आपको। और यार यहाँ पे आप आराम से सर्वाइव कर सकते हो यार, कोई भी एनिमी आपको नहीं देख सकता। आप बहुत ही अच्छे से रैंक को पुश कर सकते हो यहाँ पे आने के बाद। ट्रिक नंबर 2 के लिए आपको किसी भी लॉन्च पैड के पास चले जाना है और भाई लॉन्च पैड को किसी भी डायरेक्शन में आपको सेट कर देना है। उसके बाद भाई यार आपको एक गाड़ी लेनी है और यार गाड़ी को लॉन्च पैड के आसपास लाके लगा देना। यार देखो मैं यहाँ पे गाड़ी को लॉन्च पैड के पास में लाके लगा दिया। और भाई आपको गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर देना है। और भाई इसके बाद अगर आप लॉन्च पैड को यूज करने जाओगे, आप भाई लॉन्च पैड को यूज कर ही नहीं पाओगे। आप देख सकते हो यार मैं यूज बटन में कंटिन्यूसली प्रेस कर रहा हूँ लेकिन भाई मैं यूज नहीं कर पा रहा। आप भाई अपने फ्रेंड्स को सरप्राइज कर सकते हो भाई, किसी भी तरीके से लॉन्च पैड यूज नहीं हो सकता ये वाला। अब ट्रिक नंबर 3 के लिए भाई आप स्नैपर टावर पे आपको बाइक को कुछ इस तरीके से लगा देना है। और यार इसके बाद आप स्नैपर टावर के ऊपर बहुत ही आराम से कैंप कर सकते हो भाई, पूरी तरीके से सेफ हो जाओगे आप। और यार देखो एनिमी अगर नीचे से आएगा तो यार देखो वो यहाँ पे भाई अटक जाएगा। आप अगर वो जंप भी करता है तो कुछ इस तरीके से वो आगे चले जाएगा भाई। अगर वो जंप करेगा यार 2-3 बार यहाँ पे आप, उतने में तो भाई आप उसको आराम से किल कर ही दोगे। तो यार इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे से स्नाइपर टावर पे कैंप कर सकते हो। एक बोनस टिप भी यार, अगर आप भाई नॉर्मली स्कोपिंग आउट करते हो तो भाई आप इस स्पीड से कर सकते हो, लेकिन भाई आप एक छोटे से ट्रिक का यूज़ करके इसको आप भाई 3x 4x तक कर सकते हो। आप देखो अगर आप मेडिकेट और स्कोपिंग आउट बटन को एक साथ प्रेस करते हो, टैप टैप करते हो, तो यार देखो आपकी स्पीड भाई 4x हो जाएगी। आप देख सकते हो यार कितनी स्पीड में मैं स्कोपिंग आउट कर पा रहा हूँ भाई। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है भाई, आप अपने फ्रेंड्स को बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज कर सकते हो यार। सो आप देख सकते हो यार कितनी जल्दी स्कोपिंग आउट कर पा रहा है मेरा फ्रेंड इस ट्रिक से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।